बनवारी लाल। बनवारी लाल क्या घटना घटी थी आपकी बेटी के साथ? अचानक घर से उठाई गई है हमारी लड़की। क्या तारीख को? 30 तारीख को सुबह 8:30 बजे से। कौन उठा ले वो? अभी ये तो पता नहीं है। फिर क्या हुआ? अचानक चार दिन से शासन घूम रहा है अपना, कार्रवाई कर रहा है, परंतु नहीं कोई। आज किस हालत में मिली है? आज इस हालत में मिली है, किसी भंगेन ने देखा था उसको वहाँ पे, उनने बताया घर वालों को किसी को। हालत ऐसी कि दुर्गति थी। तेजाब भी डाला गया? तेजाब, हाँ जी तेजाब डाला गया। हाथ भी काट दिया? हाथ भी। क्या लग रहा है कौन कर सकता है इसमें? रंजिश है आपकी? क्या है रंजिश? पहले थी एक रंजिश, उसने हमारे को चार दिन पहले, लड़की से गायब होने से पहले चार दिन पहले वो बोला था, कुछ पैसे वैसे थे उस पर हमारे, उसके उसमें उसने बोला था कि तुम पर लिए जाए ले लेना, और हमें तो उसी पे स्वभाव लग रहा है सारा कुछ। अरेस्ट कर लिया वो? अरेस्ट कर लिया। क्या हुआ, कब से गायब थी आपको? ऐसा आज के तारीख 30 सुबह 8 बजे 8:30 से 9 तक गायब है जी। कौन थी आप? हमारी नातनी है जी। क्या लग रहा है आपको? वो गए है जी, मतलब पहले तो हम गए घर से उठाई, और 5-7 दिन पहले आते में मोहब्बत दो है, और बिल्कुल गेट के सामने मिली है, बीच में सड़क है। खेत में मिली है? नहीं, घूले में। क्या लग रहा है? कैसे मतलब पूरा गई लग रहा है जी, पूरे यही को हाथ है। कैसे मारा? मतलब अंदाजे एक तो हाथ बिल्कुल अलग है, और तुम्हारा है का तेजाब फेजाब गिर रहा है। ऐसी है 2.5 साल की। कोई रेप की आशंका भी है जी? रेप की आशंका भी है? ना कोई वैसे तो ना। हम क्या कह सकते हैं इसके बारे में? तो आप लोग ढूंढ रहे थे, पुलिस को शिकायत की थी? हाँ जी बिल्कुल, सब काम करे। शिकायत कब की थी? शिकायत करी है जी हमने, मतलब 1 तारीख में। 31? हाँ 31 तो पुलिस ने कोई सुरागसी नहीं की? दुर्गादशी गए जी। हाँ जी बताओ, कोई काउ पर शक करो, काउ पर कच करो। हम बोले हम कैसे शक कर दे आई समझे? तो मैं कैसे पता चला? अब पतों के लगे कुत्ता ने वहाँ में तो खींची है घूरे में, जब ये भंगिन गई वहाँ कूड़ो गिर वहाँ जाके बताई हमें। तो अब हमें जब आदमी को चार दिन पहले मोहब्बत दो है वहाँ के गेट के सामने है, तो फिर कैसे मानी जाए इनकी का उन्होंने करी है? लगभग मुझे फोन द्वारा सूचना मिली कि ऐसे ऐसे बात, मैं तत्काल ही मौके पर आया और मैंने जो है सारा मामला देखा। इसमें जो भी मुजरिम है उसमें एक जो मैंने एक्यूज्ड है वो पुलिस ने पकड़ लिया है, और दूसरा इसमें जो भी अपराधी हैं, 2 लोग हों, 4 लोग हों, 6 लोग हों, जितने नामजदगी हैं निश्चित वो जल्द से जल्द जेल जाएंगे। विधायकी सरकार आपके, लेकिन क्या मृतका के परिजनों को क्या कुछ मिल पाएगा? देखिए सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है, और मैं भी यहाँ का क्षेत्रीय विधायक होने के नाते जितने भी इसमें अपराधी हों निश्चित न्याय मिलेगा। तत्काल एक अपराधी जो उसमें मैंने वो तत्काल अभी 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 जो जेल भेजा जा रहा है, और इसमें जितने भी लिप्त होंगे निश्चित इसमें कोई कहने में दो जितने से जितना बड़ा अपराधी हो निश्चित उसे जेल जाना पड़ेगा। जैसे कि मृतका के परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने इसमें सही तरीका से काम नहीं किया। देखिए मुझे लगभग 8 बजे जानकारी हुई है, उससे पहले मेरे पास सूचना थी, 8 बजे जैसी मुझे सूचना मिली मैं तत्काल यहाँ आया हूँ, और इसमें पुलिस प्रशासन का कोई भी अगर लिप्त होगा या कहीं भी लापरवाही करी है तो निश्चित उसका कार्रवाई होगी। 3 दिन पहले एक बच्ची का उसकी बॉडी गांव के बाहर एक जगह मिली है, उसके साथ उसकी ऐसा लग रहा है कि उसको बहुत बुरी तरह से मारा गया है, तो द्वारा इसको आगे की भी कार्रवाई होती जा रही है। अब लोग इसमें आक्रोशित होकर उन्होंने एग्जाम करवाया था, एग्जाम करवा दिया गया है और आगे की भी कार्रवाई की जा सकती है। और सर सर किसी को सर पकड़ा गया था, गिरफ्तार किया गया? बिल्कुल, इसमें अभी परिवार के लोगों ने एक परिवार को जिन लोगों का नाम बता रहा है उसमें एक आदमी को हमने अभी पूछताछ के लिए बुला। और सर कितने लोगों में सर ये FIR सर दर्ज हुई है सर? अभी FIR इनकी द्वारा दी नहीं गई है, जो भी FIR में दिए जाएंगे और जो जो भी नाम आएंगे सभी गिरफ्तार किया जाएंगे और उन्हें जेल भेजा जाएगा।